अवांजी समातुन ताई रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन अमी बुद्धि रहायो रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन आऊं अवां जो मेज़बान आया हबीब लगारी। दोस्तों पाण सब जानू था त सिंध धरती ते धारन जी वालार वधंदी पे वने ऐ धरती जे असलोकन रहवासियन लाए धरती तंग कई पे वने। एक पासे धारन की आबादकारी वो मसलो है तो बे पासे बेहरिया टाउन जुल्फकार आबाद जड़ो रेथाम जोड़े सिंधी मानन के दर बदर कयो पियो वने। हकीकत यह है जो बेहरिया टाउन गोठान लाए राकास बणजी वियो है। गडाब के गोठन ते बेहरिया टाउन इंतजामिया पंज सिक्योरिटी गार्डन पुलिस रेवेन्यू अमलदार से गड बड़ी पेरिया चढ़ाई कर गोठन जमीन से कब्जन जो सिलसिलो बीहर शुरू कर छोड़ो। गोठान जा अचण वञण जा लंघ बंद कया व्या। गोठान जो सर्वे जमीनू कदीम गोठ बेहरिया टाउन के निशाने ते आहिन। गोठान पारा एहतजाज जो सिलसिलो भी जारी है। गडाप के छह गोठन से बेहरिया टाउन की चढ़ाई खिलाफ सवे गोठाना औरतूँ बारड़ा एहतजाज कदे घर का बाहर निकरी आया। बेहरिया टाउन के गार्डन पारा पुलिस के सामू गोठान मथा हवाई फायरिंग कई वही। गोठान से बिल्डोजर चाढ़ने की कोशिश कई वही। एक औरत समेत छह गोठाना पिण जख्मी थी पिया। मुख्तलिफ गोठान के बेदखल करण लाए कार्रवाई तेज करण लाए नूर मोहम्मद गबोल गोठ अब्दुल्ला गबोल गोठ समेत छह गोठन से चढ़ाई कई वही। बेहरिया टाउन इंतजामिया पंज सिक्योरिटी गार्डन के अटालन गडा पुलिस रेवेन्यू अमलदार से गड गोठान की सर्वे जमीन गोठन के फलाही जमीन से जबरदस्ती जोरी कब्जो करण लाए चढ़ाई शुरू क्यों। बेहरिया टाउन के कहरी कार्रवाई खिलाफ एहतजाज कदे समय गोठाना औरतू मर्द घर का बाहर निकरी आया जिन पंजा अजा बचाने लाए सख्त मजाहमत कई। गोठाना बिल्डोजर अग्या अची व्या जहाँ पुलिस बेहरिया टाउन के सिक्योरिटी गार्डन पारा गोठान से हवाई फायरिंग कई वही। गोठान से सिक्योरिटी गार्डन पुलिस पारा तशद्दुद करण सबब एक औरत समेत छह गोठाना जिनमें औरंगजेब जोखियो जीशान जोखियो बासित मुनवर जोखियो सुल्तान जख्मी थी पिया। मुतासर गोठन के रहवासियन हाजी उमेद अली गबोल हाजी अमीरुद्दीन गबोल सुल्तान गबोल मुनवर जोखियो बियन बुधायो त बेहरिया टाउन इंतजामिया गडाब के मुख्तलिफ गोठन के अच वन वा रस्ता बंद कर छ्या जैकरे गोठाना सख्त परेशानियों के मुंह दई रहा है। गोठान के रस्ता रोक सबब मुख्तलिफ गोठन जहा मू गडाप काठोड़ तीन नथा वही सन। बेहरिया टाउन इंतजामिया पुलिस की मदद से मुख्तलिफ कदीम गोठन से चढ़ाई जो सिलसिलो एक दफो बीहर तेज कर छो है। बेहरिया टाउन गोठान की सर्वे जमीन गोठन से जबरदस्ती कब्जा कर गोठान के हिरासा कर रही है। बेहरिया टाउन पारा जिते कदीम वसंजन के मसमार कयो पियो वने उते कदीम आसारन के भी डाहे पट कयो पियो वने। बेहरिया टाउन न सिर्फ सिंध की डेमोग्राफी बिगाड़े तो पर वो सिंध के जाबलू पट्टी आसारे कदीमा तारीख बोली कल्चर के भी मिसारे तो केतर जाबली टुकड़ी नयू देहू डाहे खत्म क्यों व्यून उन तारीखी नाला पिण खत्म कया व्या। क्लिफ्टन जो शरीय रत्नेश्वर मंदिर जो कदीम गार में ठयल है उन गार में शिव भगवान की मूर्ति कदीम लंगम रखल है। पुछा करण से खबर पई तो वह गार तमाम वड़ी हुई जी उतर ओलह दां वही खीर थर जबल के वड़ियन टुकड़न से मिली हुई। हाँ बेहरिया टाउन वन उन गार के डाहे लटे वो गेट ठाको है। हिंसर ताई बेहरिया टाउन केतर कदीम कबरू कदीम आस्थाना बुद्ध मत जहा स्टोपा पिण डाहे चुको है। लतीफ़ साई जो वो तकियो आस्थान पिण डाहो वो है जिते लतीफ़ साई थोड़ो वक्त तरसी पो हिंगलाज वेंद हो। लतीफ़ साई के उन आस्थान के डाहे उते बेहरिया टाउन की वही मस्जिद जहाँ बाथरूम ठाया व्यान। गुजरल ढीह गोठन गोठान की जमीन मागन मकान कयल वालार में पिण केतरा तारीख़ी कब्रस्तान तारीख़ी जबल सकाफती माग डाहे पट कया व्यान। आई हाँ बेहरिया टाउन जी वालार वारे मामले ते प्रोग्राम में शामिल कयों था रोजानी कोशिश अखबार जो एडिटोरियल। सिंध में वरन मनसूबन के नाले ते जका तबाही थी रही है वह असा अखियन से डिसी रहा आयो। सिंध जा मानू दाहू कर रहा आन जके मानू खानदान जाती तौर मुतासिर थी रहा आन उन घर में त क्यामत बरपा है
पर उन समूरा सजा हवंद अदीब दानश्वर शायर लेखक साफी सियासी समाजी कारकुन सिविल सोसाइटी जहाँ मानू पिण सख्त परेशान हैं। जिनो चवण है तो हि मेगा रिहायशी मनसूबा सिंध ही उन असलूकन रहवासियों बर्बादी जहाँ मनसूबा जिनके फौरी तौर लगाम दिनी वे सिंध के दवाम दिनों वे जै खतरनाक मनसूबा जारी रहा तो सिंध सिंध जो वजूद सिंध की सलामती खतरे में पे वी उन मामले से भरपूर एहतजाज पिण वो है पर जै हुकूमत के कार्रवाई करण घुर्ज उन अखियं बंद करण में भी कपह पियल है छो तो वह पान उन सजे डोह में शरीक मुजरम है। असा सिंध हुकूमत की गाल कर रहा हूं जहाँ मलक रियाज के भुगड़न मुठते हजारे एकड़ जमीन लीज कर डिनी और मलक रियाज लखें एकड़ जमीन से कब्जो कर वो उन को भी गोठ न छो को भी कब्रस्तान न छो तारीखी माग मकान भी डाही तबाह कया व्या जिनमें सुसुई के सफर जहाँ माग मकान भी शामिल हुआ त लतीफ़ साई जो बैठकों भी शामिल हुई गड़ो गड़ हजारे लखें मानन के बेघर किया वो है वो बेरहमानो ऑपरेशन अना ताई जारी है जमें पुलिस से गड रेंजर्स के भी दिसी सकजे थो। सिविल इंतजामिया बेरिया टाउन की जर खरीद गुलाम बणिल नजर अचे थी सबब साफ जाहिर है जो उन मनसूबे में पीपी हुकूमत जो हथ है उनखा भी अगते पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ सरदारी जो हथ है। पान केतरा ही भेरा पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के मलक रियाज के जहाज में उडामते भी दिसी चुका हूँ। बहरहाल वो मामलो सुप्रीम कोर्ट में पिण आयो जिते वो केस हलाय वो त सिंध हुकूमती इंतहाई गलत गैरकानूनी तरीके से सिंध कीमती जमीन टके मुल मलक रियाज के डिनी है जो नोटिस वरतो वे लीज रद्द कई वे वो केस डिघे अरसे तई अदालत में हलो रो सिंध मान के उम्मीद हुई तो सुप्रीम कोर्ट अड़ो फैसलो दींदी जो न सिर्फ मलक रियाज के डी जहा तारा नजर इंदा पर पीपी हुकूमत के भी खूब कन महट थी जिम्मेवार खिलाफ कार्रवाई थी गिरफ्तार थन्दा नेब एफ आई ए के कार्रवाई लो वो पर अड़ो कुछ भी न थो। सुप्रीम कोर्ट जो उन वक्त जो चीफ जस्टिस मियाँ साकिब निसार बया जज साहिबान अनोखो तरीको इख्तियार कदे जिद कर बीह रहा तो मलक रियाज भाषा डेम बिन वन मनसूबन डूकड़ दे खेस बख्श किया वो अड़ी तरह मलक रियाज का खुलल अदालत में 15 खरब रुपया घुरा व्या जैसे मलक रियाज के उत इतरन पैसों जो तस्वर भी नो कर सकें जैखा पे खायस 750 अरब रुपया घुरा व्या आखिरकार डील 475 अरब रुपयन से फाइनल कई वही जेके पिण मलक रियाज के किस्तन में अदा करना है। अड़े भयानक कानून का मथा ही डील थियण का पे बेरिया टाउन मनसूबे के जायज कानूनी करार दिनों वो दरअसल सुप्रीम कोर्ट जो उहो फैसलो मलक रियाज ले खुलल लाइसेंस बणजी वो तुह वनी वधिक कब्जा तबाही करे पान डिसी रहा हूँ तो उनखा पे मलक रियाज संस बेरिया टाउन मलीर कडाप टाउन जामशोर के हदन में तबाही बर्पा कर छी है। कदीमी वस्तियों से काह कई वही तीन उन्होंने खाली कराए सकजे उन कार्रवाई जो जो तस्वीरों वीडियोज वायरल थियन उबहू फलस्तीन इसराइल जड़ियन ये महसूस थी रो है तो सिंध के कदीमी या रहवासियों की हालत फलस्तीनी आवाम जड़ी है बेरिया टाउन तोड़े उन हवारी इसराइली काह कंदड़ जिन्हें इलाके के मान के तशद्दुद जो निशानो बणायो केतरन ही मान के जख्मी पिण करे विधो जिनमें औरतू भी शामिल हैं। असा चूं था तो ही जुलम वधिक बर्दाश्त नथो करे सकजे ही सब कुछ सिंध के वजूद ए सलामती से खेड़ बराबर है। वक्त अची वो है तो मलक रियाज सिंस बेरिया टाउन के लगाम दिनी वे जुल्फकार आबाद डीएच जड़ा हाउसिंग मनसूबा खत्म कया वजन कोश्तान में हलड़ पुरसरार स्कीमू भी बंद क्यों वजन सिंध में वधिक मेगा हाउसिंग मनसूबन से पाबंदी हई वे न तो नुकसान रुगो सिंध ही न भोगींदी उन जा नतीजा मुल्क के भी भोगना पवंदा।
मुझा मस्त मलंग ही मारू मारू मुझा मस्त मलंग ही मारू फकीराने बोल पुखे में जिनखे पिया कंठ कैद कड़ोल हो पुखे में जिनखे पिया कंठ कैद कड़ोल वतन जी बड़ोल आहे आदे सिनखे जह वक्त ही जोगी जाग्या जह वक्त ही जोगी जाग्या हिन भूं सजिए जा भाग्या पोए सूर न रहंदा साग्या कंदा सब मस्त कलंदर दमा दम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर जह वक्त ही जोगी जाग्या हिन भूं सजिए जा भाग्या पोए सूर न रहंदा साग्या पोए सूर न रहंदा साग्या कंदा सब मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमुअ में धकड़ा हो का दमुअ में धकड़ा तुझसे तींदे सुही पर तिनखे कंदे कीअं जो पहचन हया पुठ में मुझा मस्त मलंग ही मारू डूंगर था भी डाढ़ा मुझा मस्त मलंग ही मारू डूंगर था भी डाढ़ा नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं कंठ नियर नहीं का चीज न आहे नकी कड़ो नहीं कंठ कफनी पाए कुल्हन में ईंदा कफनी पाए कुल्हन में ईंदा अजरक जी ही ओठा कंदा सब मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर जंहिं वक़्त ई जोगी जाग्या हिन भूं सॼीअ जा भाग्या पोइ सूर न रहंदा साॻिया पोइ सूर न रहंदा साॻिया कंदा सभु मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर कहें अंगण अन कणा भून सोरी बुख कहड़ा कहड़ा मूं ॾिठा तिन डोथीअड़न जा दुख हो कहड़ा कहड़ा मूं ॾिठा तिन डोथीअड़न जा दुख सिंधु न संभरे सुख उभरी सिज लही विया हाँ
बेरागन जी भूंअ मथे का बाहे भली पे भड़की बेरागन जी भूंअ मथे का बाहे भली पे भड़की हिन नगरी असानी हु असांजो नगरी नाहे निझणकी ओ नगरी नाहे निझणकी साईं नगरी नाहे निझणकी सरमद जे सुन्नत पारण ले सरमद जे सुन्नत पारण ले मारू ईंदा मुर्गी कंदा सब मस्त कलंदर दमा दम मस्त कलंदर दमा दम मस्त कलंदर दमा दम मस्त कलंदर साहिब सारी सिंध ते बादल बरसाईस साहिब सारी सिंध ते बादल बरसाईस मिसरी मिलाईस खंड वांगुर खीर में तू आकाश आयान आही दर दर ते खो दाही तू आकाश आयान आही दर दर ते खो दाही छो न अन्या ताई तू पहते बाहुन में बल भाई छो न अन्या ताई तू पहते बाहुन में बल भाई नेठ पुजानी थियणी आहे नेठ पुजानी थियणी आहे सूरन जी ओ साईं कंदा सा मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर जंहिं वक़्त ही जोगी जाॻिया हिन भूंअ सॼीअ जा भाॻिया पोइ सूरन रहंदा साॻिया पोइ सूरन रहंदा साॻिया दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त कलंदर दमादम मस्त दुनिया जा सिंधियो एक मुठ थी सिंध बचायो सिंध जो कौमी आवाज रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन रेडियो वॉइस ऑफ सिंध लंडन पांजी नशरियात में सिंध जी सियासत समाज इक्तिसादियात तारीख कौमी उमंगुन ए इखलाकियात मुतलिक सिंध जी हकीकी तर्जमानी कंदे प्रोग्रामन के असरायतो बनाने लाए सिंध जे घण घुरन ए धरती सा प्यार कंदड़ अदीबन दानिश्वरन सहाफिन उस्तादन वकीलन ऐं हर तबके जे मानवारन सजनन के सिंध में शौरी इनकलाब लाए सहकार जो सद दियूं था अचो त गर्जी सूफिन ऐं संतन वारी सिंध जो ओज हिक मुठ थी वरी वापस आण वारे सफर जा साथारी बणजऊं हिक नए सुबह जी शुरुआत जो पड़ाडो घर घर गोठ गोठ ऐं शहर शहर ताईं पहुचायो शाल सिंध आबाद ऐं खुशहाल थिए सिंधी माण्हू सुखियो ऐं सतावो थिए